हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल खेल कबड्डी। इस वीडियो में हम देखेंगे 26 दिसंबर को हुए मैच नंबर 14 के हाइलाइट्स। ये मैच बेंगलुरु बुल्स और बंगाल वॉरियर्स के बीच शेरेटन ग्रैंड व्हाइटफील्ड बेंगलुरु में हुआ, जिसमें जीत बेंगलुरु बुल्स की हुई। ये मैच बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहा, जहाँ एक तरफ पवन सरावत की टीम थी तो दूसरी तरफ थे डिफेंडिंग चैंपियंस। मैच में बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स आए। मैच स्टार्ट होने पर बंगाल वॉरियर्स टीम लीड में नजर आई। मनिंदर सिंह ने सीजन 6 के चैंपियंस को ऑल आउट किया और 6 पॉइंट्स गेन किए, और फिर हाई फ्लायर पवन सरावत ने बाजी पलटी और अपनी सुपर रेड के साथ बंगाल वॉरियर्स टीम को ऑल आउट किया और 7 पॉइंट्स गेन किए। मैच के फर्स्ट हाफ में मनिंदर सिंह ने अपना 34वां सुपर 10 कम्प्लीट किया। इसके साथ साथ हमें नवीपक्ष जैसे अच्छे खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस भी देखने को मिली, जिन्होंने पवन सरावत को कई बार मैच के दौरान आउट किया। जल्दी इस पूरे मैच का ओवरव्यू मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करूंगी। इसके साथ साथ मैंने यूपी योद्धा वर्सेस पटना पायरेट्स टीम का ओवरव्यू आप सब लोगों के साथ शेयर किया हुआ है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं टॉप परफॉर्मर्स ऑफ द मैच। सबसे पहले बात करें बंगाल वॉरियर्स के टॉप परफॉर्मर्स की, तो टॉप रेडर में आएंगे मनिंदर सिंह, जिनके रेड अटेम्प्ट्स थे 19 और उनके रेड पॉइंट्स थे 17। टॉप डिफेंडर रहे थे दर्शन, जिनके टैकल अटेम्प्ट्स थे 6 और टैकल पॉइंट्स थे 3। बेंगलुरु बुल्स के टॉप रेडर रहे थे पवन सरावत, जिनके रेड अटेम्प्ट्स थे 20 और उनके रेड पॉइंट्स थे 15। टॉप डिफेंडर रहे थे अमन, जिनके टैकल अटेम्प्ट्स थे 5 और टैकल पॉइंट्स थे 2। नाउ जस्ट हैव अ लुक टू द टीम स्टैट्स ऑफ बोथ द टीम्स इन द मैच। मैच के फर्स्ट हाफ में बेंगलुरु बुल्स के टोटल पॉइंट्स थे 18, रेड पॉइंट्स थे 12, टैकल पॉइंट्स, ऑल आउट पॉइंट्स और एक्स्ट्रा पॉइंट्स थे 2। बंगाल वॉरियर्स के टोटल पॉइंट्स थे 17, रेड पॉइंट्स थे 11, टैकल पॉइंट्स थे 4 और ऑल आउट पॉइंट्स थे 2। मैच के सेकेंड हाफ में दोनों टीम्स के स्कोर कुछ इस टाइप से थे कि बेंगलुरु बुल्स और बंगाल वॉरियर्स ने दोनों ने टोटल पॉइंट्स गेन किए 18। बेंगलुरु बुल्स के रेड पॉइंट्स थे 11, टैकल पॉइंट्स थे 4, ऑल आउट पॉइंट्स थे 2 और एक्स्ट्रा पॉइंट था 1। बंगाल वॉरियर्स के रेड पॉइंट्स थे 11, टैकल पॉइंट्स थे 5, ऑल आउट पॉइंट्स थे 2। इसके बाद हम टोटल रेड्स और सक्सेसफुल रेड्स देख लेते हैं। टोटल रेड्स बेंगलुरु बुल्स की थी 37, जिसमें कि उनकी 17 सक्सेसफुल रही थी। बंगाल वॉरियर्स की थी 38, जिसमें उनकी 17 सक्सेसफुल रही थी। दोनों की एक एक सुपर रेड थी। लॉन्गेस्ट सक्सेसफुल रेड बेंगलुरु बुल्स की 4 थी और बंगाल वॉरियर्स की थी 6। नाउ हैव अ लुक टू द टैकल रिकॉर्ड्स। टोटल टैकल देखे जाएँ तो बेंगलुरु बुल्स के पास थे 26, जिसमें उनके सिर्फ 6 सक्सेसफुल रहे थे। बंगाल वॉरियर्स के पास थे 24, जिसमें उनके सिर्फ 9 सक्सेसफुल रहे थे। सुपर टैकल किसी का भी नहीं था। आज का मैच किसी बॉलीवुड मूवी के थ्रिलर से कम नहीं था, जहां एक्शन भी था और सस्पेंस भी था। ओवरऑल आज का मैच देखना मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहा। क्या आप सब लोगों को भी आज का मैच देखने में मज़ा आया? नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।